अस्सलाम वालेकुम सब बड़े लोगों को मेरा सलाम। मैं हूँ मोहम्मद हमाद फ्रॉम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन बाय हमाद। यार आज एक माशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ, ब्लूटूथ फिशरी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग ब्लूटूथ फिशरी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगा क्योंकि यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो आपको ये नॉलेज और बिल्कुल मेरी वीडियो आपको आखिर तक देखना है कि कम से कम आप फ्रॉड से बच सके और प्रोड्यूस कैसे करना है ये आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो सही है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप लोग से यार छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर इंशाल्लाह अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। या ब्लूटूथ फिशरी, लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी, जब भी आपने ब्लूटूथ फिशरी के बारे में गूगल में सर्चिंग की होगी, कुछ भी नहीं लिखा रहे, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल की बात कर रहा हूँ, जब भी आपने गूगल में सर्चिंग की होगी ना, उसके बारे में डिक्शनरी ना विकीपीडिया, और मजे की बात है यार उनके बुक्स के ऊपर जो लव बर्ड की बुक्स हैं उनमें भी अभी तक ये रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। पाब्लो इनो स्प्लिट ब्रीड जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, मगर अभी तक ब्लूटूथ जो फिशरी है वो अभी तक रजिस्टर्ड तक नहीं है। तभी जब भी आप सर्चिंग कर रहे होंगे कोई भी नामो निशान नहीं आ रहा ब्लूटूथ का, बहुत ही कम लोगों ने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। उन्हीं आर्टिकल्स को मैं पढ़ के आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ और मेन ब्रीड की खूबियाँ तक बताऊँगा। यार इसकी बहुत बड़ी खूबी है जो माशाल्लाह से अगर वो आर्टिकल सच है तो यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आखिर में उसके बाद बिल्कुल म्यूटेशन के बारे में बताऊँगा, इससे कौन कौन सी निकल सकती है। और मेन चीज़ बता दूँ, ये बहुत कम निकलती हैं ब्लूटूथ फिशरीज। अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ कि 100 बच्चे निकले हुए हैं, 100 फिशरीज है ना ब्लू, तो उनमें से सिर्फ 10 से भी कम, क्योंकि आर्टिकल के मुताबिक 10 से भी कम बच्चे होंगे ब्लूटूथ फिशरी, इतनी कम तादाद में निकलता है। तभी हर किसी का ब्लूटूथ नहीं होता, और जिसके बाद ब्लूटूथ निकल गया ना वो मर के भी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है वो ब्रीड आगे क्या क्या निकाल सकती है। वो अलग बात है कि मजबूरी में बेच रहा है या ना पता होने पर बेच रहा है, मगर अगर उसको पता चलिए वो ब्लूटूथ को भी मर के भी नहीं बेचेगा। मैं आपको ऐसी बात बोल रहा हूँ, सही है। अब आपको डिटेल से बताना शुरू करता हूँ ब्लूटूथ की कहानी, और ब्लू वन की भी बता रहा हूँ कि ब्लू वन भी क्या चीज़ है। अब एक चीज़ समझिए कि यार आपने परिंदा पालने तो आपको एक चीज़ पता है कि मेल के ऊपर होते हैं डबल एक्स जीन और फीमेल के ऊपर होते हैं एक्स एंड वाई जीन। एक्स जीन समझ लीजिए जीन कैरियर होता है पुराने लोगों का, मतलब अपने अबाजदाद का, अपने माँ बाप का समझ लीजिए, सही है। एक्स जीन वो कैरी कर रहा होता है। वाई जीन आप सिंपली ये ले लीजिए कि यार वो मेल है या फीमेल है वो डिसाइड कर रहा है, तो वाई जीन की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं होती है। बहुत बड़ी अहमियत है वो अपना जेनेटिकली, मगर एज अ स्प्लिट म्यूटेशन वर्किंग के ऊपर इतनी बड़ी अहमियत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई और जीन चढ़ती नहीं है, सही है। अब जो एक्स जीन है उसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, ब्लूटूथ अगर निकला भी होगा ना तो ब्लूटूथ फीमेल नहीं होगी। ब्लूटूथ अल्लाह ने चाहा तो हुआ फीमेल, वरना ब्लूटूथ फीमेल नहीं हो सकती। फीमेल के पास सिर्फ एक ही एक्स जीन होती है, या तो वो अपना डीएनए रखे, या तो समझ लिया अपनी डीएनए रख सकता है, या अपने अबाउजदाद का। अबाउजदाद को तो रख नहीं सकता, अपने माँ बाप का डीएनए तो रख नहीं सकती, दिखने में रख सकती है, मतलब बैकग्राउंड में कोई स्प्लिट और अब मैं समझ लिया कोई एक पारब्लू है या तो कोई एक फिशरी है, तो या तो एक बनेगी, या तो फिशरी बनेगी या तो पारब्लू बनेगी, एक चीज़ बन सकती है फीमेल। मगर मेल के पास एक एडवांटेज है क्योंकि मेल के पास होते हैं डबल एक्स जीन। अब मेल के पास ये है कि या तो माँ बाप बाप जैसा दिखे माँ की डीएनए रख ले, या माँ जैसा दिखे या बाप का डीएनए रख ले, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मेल के पास एडवांटेज। अब क्या होता है जो पारब्लू का जो स्प्लिट होता है, सही, जो पहली बार बोल रहा हूँ, जो पारब्लू का स्प्लिट होता है वो होता है ब्लू वन, सही है। ब्लूटूथ एक अलग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये चीज़ समझिए गौर से। जब आप डीएनए करवाते हैं तो आता है स्प्लिट पारब्लू, तो वो जो स्प्लिट होगा वो होगा ब्लू वन, सही है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर कोई बोला बगैर डीएनए का आपको बोला गया या पारब्लू से निकला है लाजिम होगा ब्लू वन होगा, ये बता दो, अगर वो माँ बाप के साथ बैठ कर बच्चा दाना भी खा रहा होगा ना तो भी मत लीजिएगा जब तक डीएनए ना हो। क्योंकि अगर पारब्लू के पेड़ से अगर गलती से अगर फिशरी आ गई, पहली बात तो कम आती हैं, अगर आ गई तो वो जो फिशरीज होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो पारब्लू की स्प्लिट हो। पारब्लू एक एरर जीन है, एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि वो ब्लू का और ग्रीन का मिक्स है, जो उसके ऊपर क्रीम जीन चढ़ी हुई होती है, जो क्रीम होता है ना आगे से फ्रंट से, तो वो होता है ग्रीन था, हल्का फुल्का ग्रीन का जो डीएनए या परसेंटेज है ना, हल्का फुल्का जो ग्रीन जीन का होता है ना परसेंटेज, वो अपने पास रखा होता है तो मिक्स होकर वो पारब्लू बन जाता है, सही है। अब वो पारब्लू है, अब एक चीज़ बताइए, ब्लू जो जीन होती है वो ग्रीन की स्प्लिट होती है, किस्मत से निकल गया वो माँ बाप के अपने डीएनए पर आ जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ है होता ही है, तो उसमें जो स्प्लिट पे निकल जाता है, तो ये बता दूँ सारी फिशरी ज़रूरी नहीं है कि पारब्लू की स्प्लिट्स हो, सही है। अब जो आपने डीएनए करवा लिया, अब वो जो स्प्लिट आ गया पारब्लू, तो वो आपको कहलाएगा ब्लू वन जीन, स्प्लिट टू पारब्लू बेस्ट जीन हो गए। अब उसमें मेल जो है वो तो मज़े की चीज़ है, अब आपने उस मेल को रखा है, अब जब आप उसको ब्रीडिंग में डाल लो ना, क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, ब्लूटूथ जब तक आप उसकी टेस्ट ब्रीडिंग नहीं करते ना, जब तक उसको ब्रीड नहीं करवाते, स्प्लिट जो आपके पास आ गया है ब्लू फिशरीज, आप जब तक उसको टेस्ट ब्रीडिंग नहीं देते तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो ब्लूटूथ है या सिर्फ ब्लू वन ही है वो,
सही है। ब्लूटूथ की ये खासियत पता करने की है, अगर आपके पास एक फिशरी निकल गई स्प्लिट टू पार ब्लू, सही है, उसको आपने किसी भी ब्लू बर्ड्स के साथ, एल्बाइनो हो, ब्लू फिशरीज हो, बल्कि ब्लू पसनाटा भी हो ना, उसके साथ भी आपने लगा दिया, उसने सारे बच्चे पार ब्लू निकाले, तो वो जाके बनती है ब्लू टूथ फिशरी। अब ब्लू टूथ फिशरी की एक चीज़ समझ लीजिए, जो दोनों डबल एक्स जीन होती है ना मेल की, अब उसमें क्या होता है, एज जब स्प्लिट आती हैं तो सिर्फ एक एक्स के ऊपर पाब्लू की जीन चढ़ी हुई होती है, मगर एक रेयर केस में, एक तुक्के में, एक एरर जीन में, समझिए समझिए किस्मत से बिल्कुल ही, दोनों एक्स के ऊपर पाब्लू की जीन चढ़ी हुई होती है, मगर जो बाहर से जो शो हो रहा होता है, जो डोमिनेंसी शो हो रही होती है, वो फिशरी की हो रही होती है, मगर वो अंदर से जो होता है ना पूरा का पूरा पाब्लू होता है, सही है। और ऐसा ऐसा पाब्लू भी नहीं होता है, वो जो दोनों एक्स जीन के जो पाब्लू जो जीन चढ़ी हुई होती है वो इतनी हाईली डोमिनेंट होती है ना कि वो किसी भी ब्रीड के साथ जाएंगी तो वो डायरेक्टली उसके ब्रीड को धक्का मारेंगी, वो अपने आप को आगे शो करेंगे। ऐसी बात बोल रहा हूँ, किसी भी ब्लू बर्ड के साथ, ग्रीन बर्ड की बात नहीं करो, ग्रीन ग्रीन सीरीज के बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा समझिए क्या नाम है डोमिनेंट, वो तो हद से ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा पाब्लू की भी बात करो ब्लू सीरीज के साथ ना, तो अगर हमें किसी भी ब्लू सीरीज के बर्ड के साथ लगा दिया, एल्बाइनो के साथ लगाएंगे, छः बच्चे निकले, छः के छः बच्चे पार ब्लू निकले, वो ब्लू टूथ फिशरी है। ब्लू पसनाटा के साथ लगाया, ब्लू फिशरी के साथ लगाया, उस एक मेल को सारे बच्चे पार ब्लू निकले, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, दो बच्चों की बात नहीं कर रहा, सारे बच्चों की बात कर रहा, अगर सारे के सारे बच्चे निकले पार ब्लू तो जाके वो बनता है ब्लू टूथ फिशरी। सही है, किस्मत से होती है भाई, तभी मैंने बोला कि 100 में अगर 10 बच्चे हैं उन 10 के भी ज़रूरी बात नहीं कि सबकी सब वो पार ब्लू, वो ब्लू टू, क्योंकि ब्लू टू एक बहुत बड़ी हाईली एरर जीन होती है कि दोनों के दोनों एक्स जीन के ऊपर, मेल के दोनों एक्स जीन के ऊपर पार्ब्लू की डीएनए चढ़ी हुई हो और वो बाहर से फिशरी नज़र आ रहा हो। अब मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी खूबी बताता हूँ। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि यार क्यों नहीं कोई सेल करेगा ना, अब ये सोच रहे हो क्यों नहीं कोई सेल करेगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपके ब्लू फिशरी आ गई है, ब्लू टू फिशरी, आपने उसको कोई इनो बर्ड के साथ, एल्बाइनो पसना एल्बिनो रेडाई के साथ लगा दिया ना, पसनाटा छोड़िए, रेडाई के साथ लगा दिया, सही है, आपके पास एक आ गया, अगर पसनाटा लगा, पसनाटा भी लगा दिया आपने, ए टू जेड लगा दिया। अब आपने उसको ब्रीडिंग करवाई, वो क्या है, जो बच्चे पार्ब्लू निकले हैं वो स्प्लिट इनो निकल गए, रेडाई के स्प्लिट भी निकल गए, सही है, और मज़े की बात है वो हाईली डोमिनेंट ब्रीड में से निकले हुए पार्ब्लू हैं, जिसके बाद इनो की स्प्लिट होते हैं, एक ही ब्रीड में आपके पास आ गए इनो स्प्लिट पार्ब्लू, और एक ये बड़ी अच्छी रेशियो है, सारे के सारे बच्चे आए ना, एक दो बच्चों से खुश नहीं होने की ज़रूरत है, आपके पास सारे के सारे बच्चे निकले, वो पार्ब्लू के स्प्लिट निकले, पार्ब्लू स्प्लिट इनो निकल गया, सही है, एक ये डीएनए वर्किंग पर आ गया, क्रिमिनो वर्किंग में भी काम आ गया, मगर आपको एक पेस्टलिनो डेकिनो इन सब में काम आ रहा है, मगर इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये एक डोमिनेंट डायरेक्टली ब्रीड शो करने वाला है और ज़्यादा तादाद में शो करने वाला है, जहाँ पे आप पार्ब्लू से वर्किंग करके अगर चार बच्चे निकल ले, एक या दो बच्चे निकल ले होते हैं स्प्लेटिनो या डेक होता है पार्ब्लू वगैरह, पार्ब्लू की जब वर्किंग कर रहे होते हैं वहीं वहीं पर, अगर आप ये ब्लू टूथ फिशरी यूज़ कर रहे हैं तो आपके सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं, सबके सब बच्चे आपके स्प्लिट आ रहे हैं उसी हिसाब से, मगर ज़्यादा बच्चे आपके पास मिल रहे हैं, तो ये वर्किंग के तौर पर बहुत बड़ी बात होती है कि ये एक जल्दी से रिजल्ट शो करने वाला और तादाद में शो करने वाला बर्ड है, सही है। मेन बात ये बता दूँ कि इसको कहते हैं कि ये पेल फेलो वर्किंग के पेपर भी बहुत प्यारी तरीके से काम आता है, जब इसको पेल फेलो से, मेरी वीडियो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल सही से देखिए तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि पाब्लू क्या बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ को अगर प्रोड्यूस करना बहुत ही हार्ड काम है, तो अब मैं आपको बता दूँ तरीका क्या है इसको प्रोड्यूस करने का, इसका सिर्फ एक ही तरीका है प्रोड्यूस करने का, आपको बता दूँ कि एरर जीन होती है ना, पाब्लू का एक पेयर लेना है जो बैकग्राउंड से किसी भी जीन से मिक्स ना हो, भाई यहाँ तक कि ऑफलाइन या इनो का भी स्प्लिट ना हो, किसी का भी स्प्लिट ना हो, सादा पाब्लू का पेयर हो, कोई सी भी रंग का हो। अब उसमें जब कभी कभी बार जो आपको देखा ही होगा एरर जीन के ऊपर एक फिशरीज आती हैं, अब जो वो जो फिशरीज होती हैं अगर वो स्प्लिट टू पाब्लू हैं, उनको आप जब टेस्ट ब्रीडिंग में डालेंगे तो सिर्फ तभी पता चलेगा ये ब्लू टू है या ब्लू टू नहीं है। और ये भी बता दूँ 100 में से 10% से भी कम चांसेस होते हैं कि ब्लू टू आपके पास निकले। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सब लोग शो कर रहे हैं, सब लोग तरीका आपको बता रहे हैं, अगर नहीं निकलने भाई ये बाद ही इस वजह से नहीं निकलने ना भाई, ये 100 में से 10% निकलने वाले बर्ड्स हैं और बहुत ही हार्डली प्रोड्यूस होते हैं ये बर्ड्स। भाई एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, अब ये भी ना कर ले भाई, आपने पाब्लू का मेल ले लिया या फीमेल ले लिया, मेल ले लिया आपने और उसको किसी भी उसको आपने किसी भी ब्लू फिशरी लगा के बोल दिया कि ये स्प्लिट टू पाब्लू हैं, ये ब्लू टू निकलेंगी, भाई वो ब्लू टू नहीं निकल सकती हैं, जो सिर्फ पाब्लू के पेयरिंग से जो निकलती हैं सिर्फ उन्हीं में चांसेस होता है कि वो ब्लू टू निकल सकती हैं, वो भी वही बात है भाई, ये
जितना भी लोग बता रहे हैं भाई ये हार्ड काम होता है इनको प्रोड्यूस करना, तभी तो इनकी डिमांड ज़्यादा है। और एक चीज़ बता दूं भाई, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि ये पेल फेलो तक वर्किंग में काम आती है, बाकी मुझे भी नहीं पता किस किस म्यूटेशन में वर्किंग में काम आ सकती है, क्योंकि एक हाईली डोमिनेंट ब्रीड किसी भी म्यूटेशन वर्किंग में बहुत अच्छी तरह से काम आ सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हर कोई सीक्रेट्स तो बताता नहीं है अपना यार। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े ब्रीड्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी अपनी बड़ी सीक्रेट्स तो बताएगा नहीं, क्योंकि अपनी दुकान एक तरीके से वो बंद करने वाली बात हो जाती है। उसको पता कि ये करके मैं पेयरिंग करूँगा और इससे मुझे एक अच्छी अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी, तो हर कोई नहीं बताता। बस इतना पता चला था मुझे कि पेल एक बंदे ने लिखा है कि पेल फेलो की वर्किंग में भी काम आ सकता है। सही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।